Hello, good morning children. How are you all? I hope you all will be fine. Now, children, take out your English notebook. Today, date is 28th January 2021. Day Thursday. Classwork. Class UKG. Students, in the last class, we study about uses of have and has. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हैव और हैज़ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, राइट। इससे पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, स्मॉल रिवीजन। हैव किसके साथ यूज़ होता है, कौन बताएगा हमको? यस, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए हैव यूज़ किया जाता है, और आई और यू के साथ भी हैव यूज़ किया जाता है, पर वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हैज़ हम लोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हम कभी किसी एक व्यक्ति के बारे में और एक चीज़ के बारे में और एक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ही हैज़ अ ब्लू कार। यहाँ पे मैम ने हैज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया, राइट। नेक्स्ट, इट हैज़ फ्लावर्स प्रिंटेड ऑन इट। यहाँ पे हम एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी पहले आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इट के साथ भी हैज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इट सिंगुलर है, राइट। इट हैज़ फ्लावर्स प्रिंटेड ऑन इट। नेक्स्ट, दे हैव मैनी बुक्स एट होम। सो यहाँ पे दे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल है, राइट। और प्लूरल के साथ ऑलवेज रिमेंबर दैट हैव यूज़ किया जाता है, ओके। दे हैव मैनी बुक्स एट होम। मीरा डैश गॉन टू द मार्केट। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में, मीन्स एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हैज़ यूज़ करेंगे। मीरा हैज़ गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट, आई हैव थ्री बॉटल्स। अब इधर देखिए, आई है पर यहाँ पे हैव लग रहा है, तो रिमेंबर दैट चिल्ड्रन, आई और यू के साथ हैव यूज़ किया जाता है, ओके। पर ये होते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? I have three bottles. The table has book on it. अब यहाँ पे noun, one noun है ना, one table के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए has use करेंगे। Understood? The table has book on it. Next, we have many toys. वी के साथ, ये वी क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ओके। एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। वी हैव मैनी टॉयज। नेक्स्ट, राहुल एंड रुचि हैव अ पेट डॉग। अब यहाँ पे राहुल और रुचि के बारे में बात हो रही है ना, तो एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम हैव यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। अब हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हैज़ यूज़ करेंगे। शी हैज़ लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट, यू हैव अ काइंड हार्ट। यू के साथ हैव यूज़ करेंगे, ओके। यू हैव अ काइंड हार्ट। वंस अगेन, ही हैज़ अ ब्लू कार। इट हैज़ फ्लावर्स प्रिंटेड ऑन इट। दे हैव मैनी बुक्स एट होम। मीरा हैज़ गॉन टू द मार्केट। I have three bottles. The table has book on it. We have many toys. Rahul and Ruchi have a pet dog. She has long hair.
यू हैव अ काइंड हार्ट. नाउ चिल्ड्रेन, आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स यू मस्ट रिपीट द सेंटेंस अगेन एंड अगेन विद द वर्ड यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स. अंडरस्टूड एवरीवन? और आपको प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है आपको. सबको समझ में है ना? बाय बाय.